कर दो शाम हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड यस कैसे हो आप सब यू डूइंग। देखे कौन कौन yeah. आया हुआ है हेलो स्वागत पांडा हाय बेटा अंकिता आई एम डूइंग ग्रेट बेटा हाय राज वर्मा आफिया अलोन बॉय अलोन बॉय हमारा श्राप है जिंदगी में तुम अलोन रहोगे एनीवेज रीतू तेरे को देख लूंगा <laughs> ये कौन है <laughs> अलग धम क्या चल रही है एनीवेज हाय बेटा अफकीफुद्दीन हाय श्रुति हाय संस्कृति शिवम अदिति प्रेम हाय बेटा प्रेम <laughs> सर दुख दर्द पीड़ा कैसे चल रही है बेटा ठीक है स्वागत थोड़ा बहुत चलता रहता है लाइफ में एनीवेज तो आज हम नया चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है टिश्यू क्या नाम है द इशू <laughs> <laughs> दुख दर्द एंड पीड़ा से द इशू राइट गाइस टिश्यू के बारे में आज हम बात करने वाले हैं यस हाय बेटा थैंक यू बेटा सनी कुमार लव यू टू बेटा माय oh गॉड वीर का ब्रेकअप हो गया कोई बात नहीं बेटा लाइफ में होता रहता है एनीवेज हाय बेटा लेखा थैंक यू बेटा जी मैथ यू बेटा जानवी शर्मा ओह माय गॉड आपको मेरा चरण स्पर्श हेलो क्या ऐप यूज करती भाई साहब ये मानने लड़का हाय सर चैप्टर शुरू हुआ है बेटा श्रीनिजा आपके स्कूल में चैप्टर शुरू हुआ है ना मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा ऐसा पढ़ाऊंगा अपने स्कूल में ना टीचर को जाके कहना मैम आप ऐसा करो ड्रीम इलेवन पे ट्रीम बनाओ इन बच्चों को मैं पढ़ाती हूं ठीक है बेटा श्रीजा ओके थैंक यू बेटा सनी तो जिंदगी में आगे चलते हैं और हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं ठीक है आज का चैप्टर का नाम है द इशू यस गाइस चैप्टर का नाम क्या है भैया द इशूज ओके तो गाइस तो टिश्यूज होता क्या कौन बताएगा मुझे चलो बताओ इशूज होता क्या है यस yes. सर समझ आ जाए तो मजा आएगा वेरी गुड अंकुर चलिए वो बताओ मेरे को टिश्यू होता क्या कौन बताएगा यस yes. कौन बताएगा हाय बेटा अमृतांशु यस yes. श्रीजा कहने सर ये तो टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल्स परफेक्ट याद है हमने लास्ट क्लास में सेल पढ़ा था ठीक है अब सेल क्या होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ अब होता क्या है बेटा जब बहुत सारे सेल्स जुड़ जाते हैं When many cells सेल्स कम and एंड स्टार्ट वर्किंग इन coordinated वे और एक ही काम करने लगते हैं उसको हम कहते हैं फिर टिश्यू एग्जाम्पल जैसे कि मेरे ब्रेन के सारे सेल्स है ना ब्रेन में कौन से होते हैं न्यूरोन वो जुड़ के क्या बनाते हैं नर्वस टिश्यू बनाते हैं ठीक है बेटा और जब बहुत सारे टिश्यू जुड़ जाते हैं फिर वो क्या बनाते, है? वो बनाते हैं, हैं वो बनाते हैं ऑर्गन और जब बहुत ज्यादा ऑर्गन जुड़ जाते हैं वो क्या बनाते है? हैं ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं समझे वेन द सेल्स ज्वाइन टूगेदर दे फॉर्म टिश्यू जब टिश्यू जुड़ जाते हैं दे फॉर्म ऑर्गन ऑर्गन से जुड़ के क्या बनते हैं ऑर्गन सिस्टम बेटा ये ये देखो बेसिक ये समझदारी है ठीक है द सेल्स टू फॉर्म 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 टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम ठीक है अब इसका क्या मतलब है ऑर्गन के अंदर टिश्यूज नहीं होते यस yes, ऑर्गन के अंदर टिश्यूज होते हैं ऑर्गन सिस्टम के अंदर ऑर्गन्स होते हैं और टिश्यूज के अंदर सेल्स होते हैं बस यही है समझ रहे हो जैसे कि एक बड़ा सा स्टेट है ठीक है जैसे कि माला मालो कर्नाटका एक स्टेट है ठीक है स्टेट के अंदर क्या आते हैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जैसे कि कूर हो गया है ना हो गया है ना मैसोर हो गया ऐसे क्या डिस्ट्रिक्ट है तो समझ रहे like <laughs> समझ रहे रहे हो हो इज लाइक द सेल ऑफ सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के कर्नाटका बना हुआ है समझ रहे हो कर्नाटका एक ऑर्गन मान लो है ना और पूरे कर्नाटका जैसे बाकी स्टेट्स को मिला लोगे तो इंडिया बन जाता है इंडिया इज एन ऑर्गन सिस्टम समझे मजेदार समझ रहे बेटा ठीक है तो उस तरह से ठीक है सर तो समझ आ गया तो आज हम क्या करेंगे हमने सेल के बारे में तो पढ़ लिया था अब हम पढ़ेंगे टिश्यूज के बारे में टिश्यूज क्या होते हैं भाई दीज आर यस कलेक्शन ऑफ सेल्स हु परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन व्हाट आर टिश्यू दीज आर कलेक्शन ऑफ सेल्स व्हिच परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन को कहते हैं हम टिश्यू ठीक है बढ़िया इतना तो भाई हमें समझ आ गया ठीक है चलो

और एक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं सब मिलके एक ही काम करते हैं मेरे मसल टिश्यू क्या करते हैं कंट्रैक्शन, के के सोचने में टिश्यू में ठीक है, तो वो ठीक है सर। अब बेटा, जैसे कि मैंने आपको बताया था सेल्स जब सेल जुड़ जाते हैं तो क्या बनता है टिश्यू और जब टिश्यू जुड़ते हैं तो क्या बनता है ऑर्गन और जब बहुत ज्यादा ऑर्गन जुड़ते हैं तो क्या बनता है ऑर्गन तो सिस्टम और जब ऑर्गन सिस्टम जुड़ते हैं तो बनती है बॉडी एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखो ब्रेन में क्या है nervous tissue, nervous cells, होते हैं. वो जुड़ गए तो क्या बना नर्वस टिश्यू जब बहुत सारे नर्वस टिश्यू जुड़े तो क्या बना हमारा ऑर्गन ब्रेन जिसको हम इस्तेमाल नहीं करते ठीक है फिर ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड मिला तो नर्वस सिस्टम बन गया है ना बेटा अब एक तो नर्वस सिस्टम हो गया एक है हमारा फेवरेट सिस्टम खाना पीने वाला सिस्टम ठीक है कहते डाइजेस्टिव सिस्टम तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हुआ हम खाना खाते तो माउथ एक ऑर्गन फिर ईसोफेगस स्टमक इंटेस्टाइन ये सारे ऑर्गन है इन सबको मिला लिया तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बन गया डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया उसी तरह से हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है जिसमें किडनी यूरिनरी ब्लैडर यूरेथा वगैरह है तो मेरे एक्सक्रीटरी सिस्टम मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरा नर्वस सिस्टम ये सारे सिस्टम को मिला गया तो क्या बन गया तो बन गया अमृतसर समझ गए जैसे कि एक हमारा स्टूडेंट है जिसके सर पे हैं चार बाल इसको जानते बच्चों तुम ये हमारा फेवरेट स्टूडेंट है इसके सर पे हैं चार बाल बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट है इसका नाम है मारकुआ ठीक है दुनिया मार्क चाहती है <laughs> दुनिया मार्क्स के लिए पढ़ाई करती है हमारा मार्कुआ

तो बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिला के हमारा ऑर्गन बना है समझ रहे हो भाई भाई सिद्धार्थ अभी तो आयो, भाई रुक तो रुक जाओ मिनट ठीक है आगे चलते हैं ये समझ समझ आ गया। समझ आ गया गया था? सेल्स तो फॉर्म टीशू, टीशू तो फॉर्म, तो फॉर्म, तो फॉर्म को को टिश्यू टिश्यू तो बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम थैंक यू रितिका चलो एनी एनी प्रॉब्लम्स चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे चलते मूव अब अब, नहीं एनिमल्स क्या करते हो कूदते फिरते रहते हो मूव करते रहते हो फिर टिश्यू मोस्टली डेड टिश्यूज प्लांट में लिविंग में टिश्यू होते हैं समझ बेटा प्लांट का क्या काम है खड़े रहना दिन भर तो उनमें डेड टिश्यू होते हैं एनिमल्स में लिविंग टिश्यू होते हैं एनर्जी नीड प्लांट की एनर्जी बेटा बहुत ही कम चाहिए होती है एनिमल्स में एनर्जी बहुत ही ज्यादा चाहिए होती है पैटर्न ऑफ ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड द टिप मतलब जो प्लांट है ना बेटा उनकी बस टिप ये ऐसे ऊपर और नीचे की तरफ ग्रो करते हैं समझ जबकि एनिमल्स होते हैं उनका यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है ऐसा नहीं कि मैं बस लंबा होता जा रहा हूं मेरे हाथ ऐसे छोटे रह गए नहीं समझ रहे हो ना मेरे हाथ प्रोपोर्शनली बड़े हुए इन प्रोपोर्शन टू मी ठीक है अजीब ना मैं ऐसे लंबा हो गया और मेरे हाथ ऐसे छोटे से रह गए ठीक है तो ऐसे नहीं होता तो ह्यूमन जो प्रपोशनली ग्रो करते हैं प्लांट प्लांट अगर आप देखोगे तो टॉल होते जाते हैं बस दे बिकम टॉल मतलब थोड़ा फैलते हैं बट ज्यादा नहीं फैलते समझ आया फर्क यस yes, प्लांट टिश्यू मूव नहीं कर पाता एनिमल्स मूव करते हैं इनके पास डेड होते हैं ये लिविंग होते हैं लो एनर्जी चाहिए होती है इनके पास हाई एनर्जी प्लांट को लो एनर्जी क्यों चाहिए होती है क्योंकि ज्यादा तो उछल कूद नहीं करते ठीक है एंड इनका पैटर्न ऑफ ग्रोथ क्या है रेस्ट्रिक्टेड टूवर्ड्स tip. अपने टिप्स पे ये ग्रो करते हैं ठीक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है चलो सर आगे देखते हैं अब अब अपना एक एक करके देखेंगे बेटा देखो ये तो समझ आ गया ना प्लांट में और एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं जैसे कि हमने देखा भाई प्लांट में डिफरेंट टाइप का सेल होता है एनिमल में डिफरेंट टाइप का सेल होता है उसी तरह से यस प्लांट में और डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट टाइप के टिश्यू होते हैं अब हमारे ना एक बच्चे ने बहुत ही सही पूछा है इजी वे आउट ने पूछा है कि भाई प्लांट सेल में डेड टिश्यू क्यों होते हैं सर किस किस को यह डाउट आया जल्दी किस किस को यह डाउट आया कि सर प्लांट में डेड टिश्यू क्यों होते हैं यस फॉर सपोर्ट सबको आया भाई ये तो ओ माय गॉड महक विजय अदिति राज हे भगवान सबको इतना डाउट आया बेटा देखो प्लांट में डेड टिश्यू क्यों होते हैं क्योंकि देखो प्लांट कुछ नहीं करता प्लांट दिन भर ऐसे खड़ा रहता है प्लांट बस खड़ा रहता है दिन भर कुछ काम नहीं है उसको समझ रहे हो तो इट डज नॉट हैव टू मूव हियर एंड देयर और उसकी जिंदगी बहुत सिंपल है उसको कुछ नहीं करना।, उसको बस फोटो करना है आपको क्या करना है पढ़ाई करनी है एग्जाम देना है मम्मी की डांट खानी है पापा की डांट खानी है है ना आपको ये सब चीजें करनी है बट प्लांट्स क्या करना है बस ऐसे खड़े रहना है तो ठीक है तो यू नीड लिविंग सेल्स मम्मी की चप्पलों से कैसे बचोगे भाग पाओगे प्लांट को कुछ प्लांट की मम्मी नहीं मारती उसको ठीक है खड़ा समझ रहे हो सो नीड ओनली सपोर्ट और उनको सपोर्ट के लिए चाहिए होता है तो उसके लिए उनके पास डेड सेल्स होते हैं समझे मेक सेंस और नॉट मेकिंग सेंस और नॉट यस तो यही है जीवन में यही है ठीक है आगे आ जाओ अब जाओ अब तो हम देखेंगे बेटा हम ना इस चैप्टर में हम प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे और एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे तो पहले हम प्लांट टिश्यू देख ठीक ठीक है 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 ये ये हमारा हमारा प्लांट प्लांट मार्क बना दिया हमने कहा मार्कवा बच्चों ध्यान से देखो ठीक है हमारा फ्रेंड है मार्कवा प्लांट टिश्यू मार्कवा के अंदर दो प्रकार के टिश्यू है बच्चों <laughs> बताओ कौन से कौन से होंगे चलो मार्क्वा के अंदर बेटा अगर मार्कवा प्लांट बनेगा तो इसके अंदर दो तरह के टिश्यू होंगे एक होता है मेरिस्टोमैटिक और दूसरा होगा परमानेंट अगर मार्कवा हमारा प्लांट है तो इसके अंदर कौन से टिश्यू है मेरिस्टोमैटिक और परमानेंट बच्चे बोलते हैं कि सर ये मेरिस्टमैटिक में फर्क क्या है बेटा देखो मेरिस्टमैटिक कौन से होते हैं ये होते हैं डिवाइडिंग टिश्यू मतलब ये डिवाइड कर रहे हैं ये मार्क की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है अगर हमारे मार्क जो प्लांट है उसकी अगर हाइट बढ़ेगी तो वो किस टिश्यू के बारे में बताओ वो किस टिश्यू की वजह से बढ़ेगी अगर ये मान लो वाला मार्कवा प्लांट है अगर इसकी हाइट बढ़ रही है तो वो किसकी वजह से बढ़ेगी जल्दी बताओ बता दो भाई कोई तो बता दो किसकी वजह से बढ़ेगी वो बढ़ेगी हमारे मार्क के मेरिस्टमेटिक टिश्यू की वजह से ठीक है सर अब पॉमनेंट टिश्यू ये कौन से है नॉन डिवाइडिंग अब मान लो मार्कवा जो है बड़ा तो क्या मार्क्वा स्ट्रांग बनेगा मार्कवा क्या है स्ट्रॉन्ग बनेगा तो वो किसकी वजह से बनेगा नॉन डिवाइडिंग सेल्स की वजह से बनेगा जो कि है कौन से बताओ बेटा मार्कवा हमारा बहुत स्ट्रांग है इसके पास बहुत मस्कल वस्कल है मसल्स हैं बहुत सारे ठीक है तो मार्कवा स्ट्रॉन्ग किसकी बनेगांट टिश्यू डिवाइडिंग समझ आया अगर एक प्लांट है तो बढ़ेगी पर्मोनेंट टिश्यू समझ आएगी चलो जीवन में थोड़ा आगे चलते हैं अब अब बेटा देखो जो मेनिस्टमैटिक डिवाइडिंग टिश्यू है ना ये जो डिवाइडिंग टिश्यू मार्कवा की बॉडी में तीन जगह पे है. ठीक है एक तो मार्कवा की खोपड़ी में यहां पे टॉप पे है <laughs> ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू कहां कहां पे है मार्कवा की खोपड़ी पे है मार्कवा की रूट पे है समझ रहे हो ये जो डिवाइडिंग टिश्यू है जो कि डिवाइडिंग सेल्स है ये कहां पे मार्कवा की खोपड़ी पे है और मार्कवा की रूट्स पे है क्योंकि मार्कवा प्लांट है ना तो शूट टिप और रूट टिप पे मार्कवा की शूट की टिप पे है और रूट की टिप पे है उसको कहते हैं एपिकल मैरिस्टिप दूसरी मैरिस्टर लेटरल ये कहां पे है ये मार्कवा के साइड्स में है

मतलब मार्कवा अपनी अब एप्स बनाना चाहता है ठीक है मार्कवा चाहता है कि भाई उसकी एप्स बन जाए यहां पे प्लांट वाले एप्स ठीक है तो इसकी कौन मदद करेगा इसकी मदद करेगा भैया इंटर कैलोरी मेरिस्टम यह क्या है यह हेल्प करेगा यह हेल्प करेगा मार्कवा की नोट्स की लेंथ बढ़ाने में मान लो मार्कवा एक शुगर केन है <laughs> ठीक है मान लो मार्कवा क्या है एक शुगर केन लाल वाला शुगर केन ठीक है आपने देखा होगा शुगर केन बेटा नोट होते हैं नोट होते हैं है ना बेटा इसको कहते हैं नोट्स ठीक है कहते इसको यह हमारा मार्कवा।, मार्कवा क्या बन गया अब शुगर केन इसके सर में भी चार बाल है अब देखो बेटा अब ये नोट्स की लेंथ बढ़ानी है मेरे को मान लो देखो मार्क्वा का एपिकल मेरिस्टम कहां है एपिकल मेरिस्टम तो भाई यहां पे है ठीक है यहां पे है और यहां पे रूट्स पे है ठीक है और साइड में कौन सा मेरिस्टम है जिसको मोटू बना रहा है वो है हमारा भाई लेटरल मेरिस्टम अब लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वाली जो हाइट है इसको बढ़ाऊं मैं इस नोड को बढ़ाऊं उसके लिए बेटा एक स्पेशल टाइप ऑफ मेरिस्टम होती है जिसको कहते हैं हम इंटर मेरिस्टम विच इज प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ द नोट मतलब नोड्स के बीच में नोड्स के ऊपर और नोड्स के नीचे ये क्या करते हैं जो गन्ना होता है ना उसके बीच की लेंथ को बढ़ाते हैं समझे उसको कहते हैं हम इंटर कैलरी मेरिस्टम समझ आ कि बताओ जल्दी बताओ ये किस-किस को समझ आया वो वाला मेरिस्टम जो बीच में होता है उसको हम इंटर कैलरी मेरिस्टम कहते हैं तो एक बात सुनो एपिकल मेरिस्टम और इंटर कैलरी मेरिस्टम क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों मार्कोवा की हाइट बढ़ाने में हेल्प करते हैं हमारी क्या मैं ये कह सकता हूं बालकों यस मिस्टर बालक्स एंड बालिकाओं क्या मैं कह सकता हूं एपिकल और इंटर कैलरी मेरिस्टम दोनों मार्कवा की हाइट बढ़ाने में काम करेंगे लेकिन लेकिन जो एपिकल मेरिस्टम है ये तेज है ये ज्यादा एक्टिव है एज कंपेयर टू इंटर कैलरी इंटर कैलरी थोड़ा स्लो है समझ रहे हो क्योंकि देखो एब्स बनाने में टाइम लगता है <laughs> हाइट बढ़ जाती है बट एब्स बनाने में थोड़ा टाइम लगता है समझ रहे हो तो ये जो ये जो बीच की नोट की जो ये जो Notes का लेंथ बढ़ाने का काम है ये थोड़ा धीरे होता है मार्क समझ आ गई बात चलो चलो अभी और बताऊंगा अभी खत्म नहीं हुआ सुन, सुनो तुम्हें बेटा थारा टीचर थारा टीचर अमृत इतनी बार बता देगा इतनी बार समझा देगा कि तुमने सोची भी ना होगी ठीक है तो टीच यू मल्टीपल टाइप डोंट वरी ठीक so, है तो प्लांट टिश्यू कितने दो एक मेरिस्टमेटिकेंट

ग्रो डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स करके ये क्या करते हैं नए सेल्स बनाते हैं वेरी गुड like अच्छा जैसे बेटा देखो जैसे कि देखो अभी आप छोटे मोटे बच्चे हो ठीक है अभी सब सब क्लास नाइन्थ में अब कुछ लोग बड़े होंगे कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे कुछ लोग इंजीनियर बनेंगे कुछ लोग लॉयर बनेंगे कुछ लोग निकम्बे बनेंगे <laughs> so, कुछ लोग एक्टर बनेंगे कुछ लोग सिंगर बनेंगे है ना कुछ लोग कुछ कुछ बनेंगे सो so, उसी तरह से हमारा जो मार्कोवा है उसके अंदर के जो सेल्स हैं, कुछ सेल मतलब ये तो प्लांट है ना कुछ सेल मार्कोवा के लीफ बनेंगे कुछ सेल मार्कोवा के रूट बनेंगे कुछ सेल मार्कोवा के बाकी टिश्यू बनेंगे ठीक है उसके बारे में समझ लो ये समझ आ गया टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स ठीक है, उनका जो है, बहुत ही पतला होता है क्योंकि तो जल्दी डिवाइड जल्द कर रहे हैं तो उनका जो सेलवॉल होता है वो पतला होता है ठीक है थीन सेलवॉल प्रॉमिनेंट न्यूक्लिया मतलब उनका न्यूक्लियस तो होता है फिर डेंस साइटोप्लाज्म उनका साइटोप्लाज्म क्या है बहुत ही डेंस होता है क्योंकि वो वो जल जल्दी जल्दी डिवाइड कर रहे हैं समझ लो वन सेल विल विल प्रोड्यूस प्रोड्यूस टू 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 मोर मोर सेल्स 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 दिस सोर्स ना सलमान खान वाली मूवी तुम मैंने तुम्हारी मदद करी है तुम दो लोगों की और मदद करना वो आगे दो लोगों की और मदद करेंगे तो उसी तरह से ये सेल जो है डिवाइड करता है ये आगे दो सेल और बनाता है फिर ये दो सेल और बनाता है फिर ऐसे सेल सेल्स की सेल्स का टिश्यू बन जाता है समझ रहे हो देन इनके पास वैक्यूल नहीं होता जो मेनिस्टमैटिक टिश्यू इनके पास वैक्यूल नहीं होता क्यों नहीं होता क्योंकि भाई ये तो डिवाइड कर रहे हैं इनका काम स्टोर करना तो नहीं है ना खाना इनका काम है जल्दी जल्दी डिवाइड करना तो ये स्टोर वोर नहीं करते बस डिवाइड करते हैं इनका काम है जल्दी जल्दी डिवाइड करना ठीक है तो ये बेटे एग्जाम में आता है इसको लिख लो क्या कैरेक्टर एक्टिवली डिवाइडिंग एंड वॉल न्यूक्लियस प्रोमिनेंट है डेंस आइड्रोप्लाजम है और वैक्यूल नहीं है ठीक है मजाया आया चलो जीवन में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हमने क्या बोला एपिकल मेरिस्टम हमने क्या बोला भाईो? तीन तरह के मेरिस्टम एपिकल बताओ कौन से कौन से मेरिस्टम है <laughs> कौन से कौन से तीन तरह के मेरिस्टम है बताओ मैं भी पहले में कहता एपिकल फिर मैं ये वाली उंगली नीचे कह फिर मेरे को नो ऐसा करूंगा तो बच्चे कहेंगे सर <laughs> एपिकल लेटरल एंड इंटर कैलरी मेरिस्टम वेरी गुड तो बताओ एपिकल मेरिस्टम कहां पे होती है हमारा है तो एपिकल मेरिस्टम कहां पे होगी बच्चों एपिकल मेरिस्टम कहां पे होगी एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट वेयर इन द टॉप टिप्स टिप्स एंड रूट वेरी गुड दे आर प्रेजेंट इन द टिप शूट की टिप पे होती है और रूट की टिप पे होती है आर प्रेजेंट इन टिप यहां पर और रूट की टिप्स पे होती है ठीक है रूट एंड द स्टेम है ना शूट एपिकल मेरिस्टम फाउंड ऑन द शूटिप रूट एपिकल मेरिस्टम फाउंड ऑन द रूटेप इंक्रीज देंूट एंड स्टेम वो उसकी लेंथ बढ़ाते हैं ठीक है बेटा इनका काम क्या है मेरिस्टम का स्टेम और उसकी लेंथ बढ़ाना ठीक है भाई अगला अगला आ गया हमारा लेटरल ठीक है बेटा ये कहां पाया जाता है देख रहे हो ये जो साइड में है ये मतलब अगर इसको मैंने अगर मान मतलब लो मेरा मैं मार्क ठीक है? आपने मेरे को बीच में से काटा मतलब काटना मत मतलब, अगर काट दिया तो मेरे साइड में है समझ रहे हो ये जो सर्कल है ये है लेटरल ये लेटरल है। समझ रहे ऑफ द रूट एंड द स्टेम दिटरल मतलब साइड साइड्स में होते हैं समझ रहे हो एंड इंक्रीज द गर्थ गर्थ मतलब डायमीटर ये करते हैं ये प्लांट को मोटू बनाते हैं अपने बड़े बड़े बैनियन ट्री देखे ना उनके अंदर क्या होता है बहुत ज्यादा होता है समझ रहे यस yes. आ जाओ मेडिस्टम जो मैंने बताया था एट द इंटर एट द बेस ऑफ द लीफ देखो यहां पे होता है देखो बेटा दिख देख रहा है ये क्या है जोन ऑफ देखो लाल लाल दिख रहा है यहां पे ये जो लाल लाल दिख रहा है ट होता है देख लो मतलब ये पहले इतना छोटू सा था अभी बड़ा हुआ अभी और बड़ा हो गया समझ लो नोट के ऊपर और नीचे होता है इंटर कैलरी लीव को भी बड़ा बनाता है और इंटर नोट को भी बड़ा बनाता है एक क्वेश्चन आता है बेटा मान लो एक बकरी है ठीक है ये है बकरी वेदांतों की मान लो ये बकरी है हाथी जैसी लग रही है बट ये बकरी है मान लो ठीक है ठेके? ये बकरी है बकरी ने घास खा ली ठीक है बेटा यह हमारी घास है बकरी ने घास खा ली तो यह सारा खा गया है ना बेटा बकरी ने घास खा ली तो बकरी ने क्या खा लिया भाई बकरी ने क्या खा लिया बकरी ने एपिकल मेरिस्टम खा लिया एपिकल मेरिस्टम खा गई वेदांतों की बकरी भूखी थी बहुत किसकी बकरी है ये बच्चों <laughs> ये वेदांतों की बकरी थी बहुत भूखी थी इसने खा लिया घास घास से भी क्या खा लिया भाई इसने एपिकल मेरिस्टम खा लिया तो बच्चों में मुझे बताओ क्या ये ये भी वेदांतों की घास थी ठीक है क्या ये जो वेदांतों की घास है जिसको वेदांतों की बकरी ने खा लिया है क्या ये अब ग्रो कर पाएगी क्योंकि क्या ये लेंथ में बढ़ पाएगी क्योंकि इसका एपिकल मेरिस्टम तो ये बकरी खा चुकी है बताओ बताओ क्या ये हमारी घास बढ़ पाएगी लेंथ में और बढ़ पाएगी तो क्यों बढ़ पाएगी और कैसे बढ़ पाएगी बताओ बच्चे कह रहे हैं yes, यस हो पाएगी वेरी गुड अद्वैता अद्वैता बिरादर वेरी गुड स्वागत भी कह रहे हैं बढ़ पाएगी बेटा कैसे बढ़ पाएगी यस yes. कैसे बढ़ पाएगी बिकॉज इट स्टिल हैव इंटर कैली वेरी ठोका वेरी गुड

समझ आ गया तो बेटा ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखो एपिकल पे है शूट टिप पे इंटर कैलरी पे है, है? यहां पे, पे समझ आ गई तो नहीं करोगे yes, चित्रा देवी को तो मजा आ गया <laughs> तो नहीं करोगे तो गाइस लाइक वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल बेटा वर्षा क्यों इग्नोर करेंगे Yes, बेटा आनंद कुमार मिश्रा समझ आ गया तो तालिया बजाओ जल्दी से तालिया बजाओ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अच्छा लगा और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो हमारा इंस्टाग्राम है अमृत अंडर स्कोर दिस इज माई इंस्टाग्राम आईडी ठीक है और बताओ और कुछ दुख दर्द पीड़ा तो लेट मी नो यस <laughs> yes. बेटा देखो वी क्विज का लिंक है नीचे जाके आप वी क्विज कर सकते हो ठीक है बच्चे ये वी वी क्विज क्विज का लिंक है इस पे वी कर सकते हो जिन्होंने करना है ठीक है वेरी गुड बेटा एक बच्चा पूछ रहा है सर अगर गोट ने पूरी खा ली तो कुछ नहीं हो सकता बेटा हैप्पी बर्थडे बेटा ब्लैक सोल <laughs> एक बच्चा पूछ रहा है कि सर अगर बकरी ने वेदांत की बकरी ने पूरी घास खा ली तो फिर बेटा वो मर जाएगी ठीक है <laughs> या तुम कैसे कैसे सवाल पूछते हो यस yes. चलो अब जो भी बच्चे बेटा क्लास नाइन्थ में है ना एक बार बता बतायातु में पूरे एक साल का कोर्स चल रहा है क्लिक करोगे ये पेज ओपन हो जाएगा ठीक है यहां पे देखो क्लास नाइन्थ का वन ईयर का कोर्स है जिसमें मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश और एस छह सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं बाई टॉप टीचर्स ऑफ इंडिया पूरी की पूरी लाइव डाउट सपोर्ट रहती है आपको जितना मर्जी डाउट पूछना है असाइनमेंट्स मिलते हैं टेस्ट होते हैं टीचर के हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं वेदांतों का स्टडी मटेरियल मिलता है जो भी बच्चे फ्यूचर में जाके आईआईटी या नीट क्लियर करना चाहते हैं ठीक है मुझे पता है बहुत सारे कर जाते हो गे? तो बेटा आपको तैयारी क्लास नाइन से ही करने ही स्टार्ट कर देनी चाहिए बहुत सारे बच्चे करते हैं और जो वेदांतों का ये कोर्स है ये आपको हेल्प करेगा उसमें आपकी आपका बेस 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 बहुत ही सही सेट करेगा देखो तो क्लास और टेंथ होते होते हैं हैं ना वो ट्वेल्थ का बेस होते है। अगर आपका बेस अच्छा तो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ हम आपकी फीस वापस कर देंगे समझ कितने बच्चों ने ऑलरेडी एनरोल कर रखा जल्दी बताओ मुझे पहले हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी प्रो यस Yes. श्रुति कह रहे हैं सर ग्रास में तो ब्रांचेस बट बीच बीच में होते हैं ग्रास में ठीक है ब्रांच नहीं होते बट बीच बीच में उसमें इंटर कैलरी होते हैं यस है. yes. तो इन सारे बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं करा है ठीक है बच्चे जिन्होंने एनरोल नहीं करा है बहुत ज्यादा मिस आउट कर रहे हो ठीक है थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडिंग विद है ना बच्चे एटी वन का वेदांत का प्रो कोर्स है When you applied the code AR Pro, इसमें automatically code लगा हुआ है आर प्रो इज द कोड उसको अप्लाई करके आपको ये दो है जो भी बच्चा हमारे साथ नाइन्थ में जुड़ता है ना वो लेवन ट्वेल्थ में तो हमारे साथ रहता ही रहता है ठीक है बच्चे तो जिन्होंने अभी तक एनरोल नहीं कराएल एंड इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल वाउट फॉर इट नया बैच स्टार्ट हो रहा है सत्ताईस जून को समझ लो मतलब कल ही स्टार्ट हुआ है मंडे को अगर आपने एनरोल नहीं कराया तो कर लेना और ये जो दो बैच हैं प्रो लाइट एंड प्रो क्लासिक चार जुलाई को स्टार्ट हो रहा है लाइव बैचेस यू शुड डेफिनेटली एनरोल इनटू दिस ठीक है तो आज का होमवर्क है बेटा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू यस हाउ मेनी ऑफ यू ऑफ्यू कॉन एनरोल दिस गाइस ये बताओ हाउ मेनी ऑफ यू ऑफ्यू कॉन एनरोल इनटू दिस बैचेस किसी को लगता है कि सर मैं इसमें एनरोल करूंगा तो मेरा फायदा होगा जल्दी बताओ

बट मैं बता रहा हूं ना अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो डोंट थिंक अबाउट इट अकेले कर सकते हो बट विद दिस योर परफॉर्मेंस विल बी नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल लेवल आप की परफॉर्मेंस कर सकते हो ठीक है बच्चे तो या डू एनरोल इन दिस ग्रेट तो आई एल सी यू इन द बैचेस बैचेस में इसमें मैं भी पढ़ा रहा हूं सॉरी oh, मैं नहीं पढ़ा रहा इन दोनों में पढ़ा रहे ठीक है बच्चे परफेक्ट सो गाइस आज का होमवर्क है ठीक है द होमवर्क है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मिलस्टमैटिक टिश्यू एंड वेयर आर दे फाउंड बताना मुझे ठीक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेस्मेरिट टिश्यू एंड वेयर आर दे फाउंड अंटिल द नेक्स्ट क्लास टेक केयर हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय एंड गाइस डू डू द होमवर्क होमवर्क करना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ठीक है यस बाय बाय एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम amrit_